वेलकम टू माय चैनल एबी रॉक्स टीम्स। अर्जेंटीना लीग का मैच होने वाला है एआरजी वर्सेस आरएसी के बीच। पहले मैंने सोचा था ये लेट नाइट मैच कवर नहीं करूंगा, लेकिन अब सोच रहा हूँ करना पड़ेगा क्योंकि बहुत अच्छा मैच है, बहुत लिटरली बहुत अच्छा। तो बात कर रही है मेरा टेलीग्राम चैनल और लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा कि आपको मुश्किल ना आए। बट आपको कई लोग कहते भाई आप ओपन टीम देते नहीं तो फ़ायदा नहीं। देखो वो आपके ऊपर है भाई, मैं किसी को फोर्स नहीं कर रहा ज्वाइन करने के लिए। आप डायरेक्ट देखो, मैं कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि यहाँ पर मैं ज़्यादा टीम ओपन नहीं देता, मैं पहले ही बता दूं। तो गाइज़ हम इस वीडियो के अंदर किसी भी तरह की चीज़ को प्रोत्साहित नहीं कर रहे, वीडियो बहुत ही ज़्यादा सेफ एंड नॉलेजेबल है। इसी बात पर बढ़ते हैं आगे, बात कर लेते हैं यहाँ पर सबसे पहले इस मैच की। तो अर्जुन टेनिस जूनियर वर्सेज रेसिंग क्लब के बीच जो मैच होगा, इसमें मैं आरएसी के फेवर में हूँ क्योंकि आरएसी टीम यहाँ पर ये मैच बहुत अच्छी तरह वॉन कर सकती है, बहुत अच्छी तरह। जहाँ तक मेरा प्रिडिक्शन लेवल या फिर बोलो मेरी एनालाइजमेंट कह रही है, वो कह रही है कि यहाँ पर आरएसी टीम अच्छा कर सकती है। बात करें गोलकीपर की, यहाँ से लूँगा लुकास चेविस को। पिछले मैच में भी आपको मैंने बताया था, जो प्रीवियस मैच हुआ था, कि इस बंदे ने गोल सेविंग रेशियो 75% अपना बेस्ट दिया था और 75% गोलकीपर के लिए बहुत बड़ी चीज़ है, छोटी चीज़ थोड़ना है भाई। अगर 75% का मतलब आप जानते हो कि कितने ज़्यादा गोल सेव हो सकते हैं एक ही बार में। तो आगे से बात करूँ डिफेंडर की, तो यहाँ पे डिफेंडिंग ऑप्शन में से लूँगा मैं सबसे पहला प्लेयर ई मीना। तो यहाँ पर एग्यूनो मीना को मौका मिलना चाहिए। एक्चुअली सब्स्टिट्यूशन प्रॉब्लम इस मैच में ज़्यादा नहीं रहने वाली, इसमें डिफेंडर्स को काफ़ी अच्छे तरीके से खिलाया जाता है। इसमें कोई भी मतलब प्रॉब्लम नहीं है कि डिफेंडर सब्स्टिट्यूट हो गया, ये हो गया। कई मैचेस में होता है, हो भी सकता है इस मैच में, लेकिन मेरे हिसाब से नहीं होगा क्योंकि जहाँ तक मैंने चेक किया है कि काफ़ी ज़्यादा मतलब बहुत रिस्पेक्टिवली अच्छा है। तो आगे से बात करूं नेक्स्ट प्लेयर की, तो यहाँ पे लूँगा वन अनदर प्लेयर जो कि है थोड़ा सा नॉर्मल, एल सिगाली। एल सिगाली इज़ अ नॉर्मल प्लेयर और लियोनार्डो सिगाली सेकंड डिफेंडिंग करेगा, मींस कॉमन डिफेंडर है और सबकी टीम में देखने को मिल सकता है आपको मैच में। और आगे से बात करूं नेक्स्ट प्लेयर की, तो यहाँ पे है गाइज वन अनदर प्लेयर एंड डोमिंग्यूस खेलना चाहिए, थर्ड डिफेंडिंग करने वाला है और थर्ड डिफेंडर बहुत बड़ा मतलब बहुत ही बड़ी वैल्यूएबल पिक होती है जब थर्ड डिफेंडर होती है और फोर्थ डिफेंडर। और देखो थर्ड डिफेंडर तो ऑलमोस्ट आपके ओपोनेंट भी लाएंगे, लेकिन जहाँ तक बात रही फोर्थ डिफेंडर्स की, तो यहाँ पर एक प्लेयर है एज एक्वल को मौका मिले अगर तो अच्छा करेगा, लेकिन अगर मौका नहीं मिला तो किसी भी फोर्थ डिफेंडर को आपने लेना है जो टीम में होगा, वो मैं आपको बता दूंगा। बट अभी के लिए आपको इसको सेव एंड वेट करके रखना है। आगे से बात करें मिडफील्डर की, यहाँ से लूँगा वन अनदर प्लेयर जो कि है इग्नाशियो पियाती। तो ये है नॉर्मल प्लेयर और इग्नाशियो पियाती के इस सीज़न ज़्यादा खास रहा नहीं क्योंकि मैं एफ डोमिंग्यूस को भी चेक कर रहा हूँ, तो इनकी मिडफील्डिंग में थोड़ी गिरावट आई है रेसिंग क्लब की। और आगे से बात करें नेक्स्ट प्लेयर की, तो यहाँ पे है गैब्रियल ने पिछले मैच के अंदर बहुत ज़बरदस्त गोल लगाया था, प्लस एक शॉट ऑन टारगेट ईएसटी के खिलाफ, और साथ ही साथ मिडफील्डिंग के साथ डिफेंडिंग भी की थी इस प्लेयर ने बहुत अच्छी। और आगे से बात करें नेक्स्ट प्लेयर की, एफ मोआनो। पिछले मैच के अंदर फ्रेंको मोआनो ने गोल होता होता रह गया इस प्लेयर का, बेचारे का शॉट ऑन टारगेट लग गया, गोलकीपर लास्ट मोमेंट पे गोल रोक गया, तो वो थोड़ा गोल सेव हो गया। एंड आगे से बात करें स्ट्राइकर की, यहाँ से लूँगा पहला प्लेयर टॉमस को। काफ़ी दिनों से मैं खेलता नहीं देख रहा, लेकिन जब ये सीज़न की शुरुआत नहीं हुई थी, पिछले सीज़न की जो लास्ट मैचेस थे और क्लब फ्रेंडीज लीग के जो पहले मैच हुए थे, क्लब फ्रेंडीज लीग से भी नीचे जो टुर्किश लीग के मैच थे, उसके अंदर इस प्लेयर का सबसे ज़बरदस्त सबसे अच्छा मतलब मेरे को रिकॉर्ड देखने को मिला। एक एक मैच में इस बंदे ने हैट्रिक्स भी किए अपनी टीम के लिए। एंड आगे से बात करूँ लोपेज की, लोपेज यहाँ पे पेनल्टी टेकर का रोल निभाएगा। तो पेनल्टी टेकर तो आपको पता है काफ़ी मेन रहता है, तो पेनल्टी टेकर को तो आप बिल्कुल भी मत छोड़ना, एक ही राय दूंगा भाई अच्छी। तो आगे से बात करें अगर हम यहाँ पे एक प्लेयर रह गया जो कि रेनेरियो, ये नॉर्मल है, पता नहीं आपके ओपोनेंट कैप्टन वैप्टन ना ले आए, मतलब ओपोनेंट साइड ला सकते हैं, लेकिन एक ही राय दूंगा घबराना मत इस मैच में क्योंकि यहाँ पे ओपोनेंट किसी भी तरह का टकर सकते हैं। तो यहाँ पे से आगे से बात करूँ कैप्टन की, कैप्टन है लोपेज, वाइस कैप्टन है टीक एंकेले। काफ़ी लोग मेरे रिस्क को बहुत मतलब इंप्रेसिव समझते हैं, थैंक यू, ठीक है। और अगर अच्छे से अच्छा कमेंट करना भाई, आपको रिप्लाई मैं जल्दी दूंगा। तो मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए बाय।